बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार नौजवान और वो जो अपराधियों की गोली से हर दिन दर्जनों के हिसाब से मर रहे हैं, आपके कुशासन का शिकार हो रहे हैं। आपका ये कथन कि कुशासन पर बोलने वाला, भ्रष्टाचार पर बोलने वाला भाजपा के नीति पर बोलता है, तो भाजपा कुशासन और भ्रष्टाचार का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निरंकुश शासन और अहंकार का प्रदर्शन फिर से दिखाई पड़ा। वो जहरीली शराब से पीड़ित परिवारों का रुदन, विधवाओं की विलाप, भूखे बच्चे का सिसकते चेहरे उनको दिखाई नहीं पड़ा। बेरोजगार की बात सुनने के बजाय संगीन के सायों में आपने जिस तरह से उसको खदेड़ने का, उसको पकड़ कर पीटने का तस्वीर वायरल हो रहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जो भ्रष्टाचार पर निरंकुश शासन, प्रशासनिक अराजकता के बारे में विधायक नहीं बोलेगा, जो जनता की विश्वास को जीत करके आया है, तो फिर कौन बोलेगा? बिहार में सत्ता निरंकुश हो गई है और सरकार मदमस्त है। लगातार बेरोजगार वंचितों शोषितों को जो है सरकार कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं उनके लिए कर रही है, तो वहीं बिहार सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है उनका दावा फेल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल सारण पहुंचे थे, सारण के छपरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सारण श्राप कांड हुआ और लगातार जो लोग परेशान हैं सारण में, उसको लेकर जो है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने वीडियो जारी किया। विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव छपड़ा पहुंचे थे, उन्होंने रोजगार पे बात नहीं किया, वंचितों से बात नहीं किया, शोषितों से बात नहीं किया, और वहीं सत्ता के अहंकार में मदमस्त है सरकार, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कई सवाल खड़ा कर दिया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे वो सुने आप लोग। की धरती पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निरंकुश शासन और अहंकार का प्रदर्शन फिर से दिखाई पड़ा। वो जहरीली शराब से पीड़ित परिवारों का रुदन, विधवाओं की विलाप, भूखे बच्चे का सिसकते चेहरे इनको दिखाई नहीं पड़ा। इनको वही दिखाई पड़ रहा है जो अधिकारियों द्वारा प्रायोजित है। आज उस नौजवानों की आवाज़ को आपने दबाने का प्रयास किया। बेरोजगार की बात सुनने के बजाय संगीन के सायों में आपने जिस तरह से उसको खदेड़ने का, उसको पकड़ कर पीटने का तस्वीर वायरल हो रहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से विधायिका की आवाज़ को दबाने का, जनप्रतिनिधियों से दूर होने का खेल खेल रहे हैं और विधायिका को बंधुआ मजदूर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। आपका ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जो भ्रष्टाचार पर निरंकुश शासन, प्रशासनिक अराजकता के बारे में विधायक नहीं बोलेगा, जो जनता की विश्वास को जीत करके आया है, तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ये दोहरा चेहरा कहीं न कहीं बिहार के प्रशासनिक अराजकता को फैला रहा है, भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ा रहा है। आप दोनों के सपना के खेल में बिहार पूरी तरह से अराजकता के दौर से गुजर रहा है। आपका ये अराजकता का वातावरण, आपका ये जो समाधान यात्रा नहीं, ये विकास का व्यवधान यात्रा है, ये कानून के राज स्थापित करने में व्यवधान है, और ये आपका विदाई यात्रा बनेगा, क्योंकि आपका ये व्यवहार कहीं न कहीं बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार नौजवान और वो जो अपराधियों की गोली से हर दिन दर्जनों के हिसाब से मर रहे हैं, आपके कुशासन का शिकार हो रहे हैं। आपका ये कथन कि कुशासन पर बोलने वाला, भ्रष्टाचार पर बोलने वाला भाजपा के नीति पर बोलता है, तो भाजपा कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपनी अभियान चालू है, रखे हुए है, और जो भी इस अभियान में सम्मिलित होना चाहता है, वैसे लोग निश्चित तौर पर सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के, राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले का हम स्वागत करेंगे। आपके शासन को जब तक नहीं उखाड़ कर फेंकेंगे, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
तो आपने सुन लिया, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा थे, जिस तरीके से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समाधान यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे थे, इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़ा कर दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि सरकार निरंकुश हो गई है, गरीबों वंचितों और शोषितों के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं देखा जाए तो रोजगार का मुद्दा हो या फिर मुआवजा का मुद्दा हो, इसको लेकर सरकार ने कोई बात नहीं किया। देखा जाए तो गरीबों को यह सरकार परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा जो है अंतिम यात्रा रहेगा, यात्रा रहेगा, इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने तमाम बातें कह दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।